वेलकम टू चूलो आसमान। और शुमाइला मेरे साथ हैं। अभी एक खातून ने कॉल की थी जिन्होंने खुला की बात की थी। शुमाइला आप प्लीज़ उनको वो नंबर बता दें जहाँ वो कांटेक्ट कर सकती हैं। अब आप एक नंबर नोट कर लें, एडवोकेट जिया वान साहब का, उनकी हेल्पलाइन है, बच्चों और औरतों की हेल्पलाइन। उसमें आप कोई भी आपका केस हो, फैमिली केस हो, सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, आप ईजिली उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1-911-9-1-9-2, 1-911-9-2। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जाइए, जाकर वो आपकी डिटेल लेंगे। लेकर वहाँ पे लॉयर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं जो आपका केस सुनेंगे भी और आपका केस जो है सूट फाइल करेंगे। और आपको फ्री में ये डावरी आर्टिकल्स का केस है, आपके जेस की वापसी का केस है आपके, तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन आमना इनको थोड़ा सा ये भी गाइड कर देते हैं कि इसमें ओरिजिनल रिसिप्ट होनी, रसीदें होनी बहुत जरूरी है। अगर हाँ, जेवर की आपके जो जो आर्टिकल्स डावरी आर्टिकल्स के अंदर जितने आर्टिकल्स हैं उनकी ओरिजिनल रिसिप्ट होंगी तो वो इजीली आपको जो आपके आर्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे। और उसके लिए भी जो एक एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ती है ना, ये बेचारी ये सोच रही है कि अभी ये सिर्फ केस फाइल करेंगे और इनको फौरन के फौरन डावरी आर्टिकल्स जो है इनका वापस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक तकलीफ और उठानी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन फाइल होगी इस केस के ग्रांट होने के बाद, आपको डिग्री मिलने के बाद आप जाएंगी एग्जीक्यूशन में, वो भी इसी प्रोसीजर पे चलेगी पूरी। चलने के बाद फिर आपको वहाँ से नाजिर अपॉइंट होगा कोर्ट से, वो फिर आपको वो आर्टिकल्स आपके हैंडओवर करवाए। और शुमाइला मैं समझती बड़ी तकलीफ दे अमल है। और मैं समझती हूँ कि जो चीज़ें बाकी की होती है ना जहेज में, तो फिर बहुत चीज़ें आ जाती हैं, फ्रिज टीवी सब आ जाता है। बिल्कुल, वो लेना तो इतना कोई पॉइंटलेस ही होता है। बिल्कुल, लोग जहेज के सामान तोड़ देते हैं, ये जो देते नहीं होते हैं ना, आप देखिए फर्नीचर टूटे हुए मिलते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होते हैं वो टूटे हुए मिलते हैं, ये जान सिर्फ टीस करने के। सारी बात जो घूम फिर के आती है ना वो जेवर पे ही आती है। टॉपिक जरा हटके हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, देखे उन आदमियों को अब जब रिश्ता खत्म ही हो गया तो जेवर रख के आप क्या टीस कर लेंगे? पता है क्या करते हैं ज्यादातर लोग, बैंक पहुंच जाते हैं, सील करा देते हैं अगर जॉइंट अकाउंट होता है। यहाँ से उन खवातीन को अकल आनी चाहिए जो पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी, अकाउंट खुलवाना या लॉकर लेना कोई मुश्किल नहीं होता। हमेशा अपना जेवर अपने पास रखें। और फिर एक और बात, आप भी दयानतदारी से चलें कि जो आपके मियाँ की साइड का है वो आप उसको वापस कर दें, जो आपका जेवर है आप वापस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शुमाइला इधर से एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगी, फिर हम अपने दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। शुमाइला एक बात मुझे बताएं कि जब हस्बैंड आपको कोई चीज देता है, जैसे आपको मुंह दिखाई मिली या कोई गिफ्ट दिया, या आपको पूरे पूरी जिंदगी में उसने जो जेवर दिया या कोई चीजें दी, आपके ससुराल वालों ने दी, तो क्या डिवोर्स के टाइम पे जरूरी है कि वो चीजें वापस दी जाए? इसमें बड़ा तो फिर लड़की की हो गई ना। हाँ, सूरह निसा, सूरह अहज़ाब, सूरह नूर, सूरह बकरा, उसमें से एक आए थे। पहले आप कॉल ले लो। हाँ, पहले आप कॉल। हेलो, जी सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज आपका टॉपिक चूंकि चाइल्ड एब्यूज़ जी, चाइल्ड लेबर के ऊपर। डॉक्टर साहब थोड़ी छोटी बात कीजिए। अच्छा, चाइल्ड लेबर से ही बात करेंगे ना? जी 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 जी। देखिए एक चीज मैं आपको जल्दी से बता दूं कि देखिए चाइल्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री के अंदर है वो अभी तक वही है कि बच्चे और बच्चियों को घर के अंदर जो है वो काम करने के लिए। और आजकल जो फिजिकल अब्यूज हो रहा है और जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जितने मीडिया पे आ रहे हैं, मेरा ख्याल अब इसको खत्म करने की जरूरत इस तरह है कि बजाय इसके वो छोटे बच्चे जिनको के चाइल्ड लेबर के लिए, उनके लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए ट्रेनिंग की, जहां उनको ट्रेन किया जाए और उसके बाद उनको मुख्तलिफ इदारों में भेज दिया जाए जहां उनकी ग्रूमिंग भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी, पेमेंट भी मिलेगी और उसके साथ साथ उनके लिए एक अच्छा काम कर सके। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में जब टाइम आता है ना, और डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगी, मेरा तो सवाल है कि इसे करेगा कौन? कौन करेगा? हम एनजीओस। आप कल अगर फिजा हमारे साथ थी, आपको कल हम हेल्थ डे पे बात कर रहे थे। अच्छा। शुमाइला पता नहीं कितने उन्होंने मुझे नंबर फिगर याद नहीं कितने बताए फिजा ने कि रजिस्टर हैं एनजीओस, लेकिन उसमें से सिर्फ 38 शायद वर्किंग में। ओह माय गॉड, वो सिर्फ फंडिंग के लिए हैं कि वो एक तरह का उनको फंडिंग हो रही है। किसी एनजीओ पे भी ट्रस्ट नहीं, वो भी एनजीओस काम कर रही हैं। अच्छा शुमाइला जी जी, हम तो ये जो आप बात करती सूरह निसा में और सूरह बकरा में, सूरह नूर, सूरह बकरा, सूरह निसा, इन आयात के अंदर खास तौर से लिखा हुआ है कि आपने अगर जो अपनी बीवी को चीजें दे दी वो दे दी है, उसे इज्जत, अगर आप उसे नहीं रखना चाहते उसे इज्जत से रुखसत कर दें, खुदाफिज कर दें, उसको आराम से तलाक दे के, जो आप नहीं रहना चाहते, मैरिज नहीं रखना चाहते, उसे आराम से हक महर दे के फारिग कर दें।
या अगर जो अगर वो लड़की लेना चाह रही है खुला और वो साथ नहीं रहना चाह रही, तब भी आप इतने हम्बल हो जाएं, इतने नाइस हो जाएं कि जो आपने दे दिया है वो आप रहने दें, लेकिन अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अच्छा, फिर एक भी चीज़ वो ले सकता है, हम किसी और दिन कर लेंगे, हम चाइल्ड लेबर पे आ जाते हैं। चाइल्ड लेबर पे हमने कहा था दो पहलू होंगे, अब उसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें कि हम किस पे बात करने वाले थे। देखो, हम जो अभी जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमने ये किया था कि जो स्ट्रीट पे, कि जैसे जो बच्चे वो सड़कों पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर वो झाड़ू भी लगा रहे होते हैं, कभी कभी वो शीशे भी साफ कर रहे होते हैं, और वो एक ये एक माफिया काम माफिया कर रहा है। मैं अभी बोलने वाली थी, ये माफिया है इनका। उस माफिया के अंदर उनके माँ बाप भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ये काम करवा रहे हैं, और अगर आप एक तीन हट्टी का पुल के नीचे वाला एरिया देखें तो वहाँ पे ये सारी आबादी है जी, और ये पूरी आबादी जा रहे होते हैं। इवन मैंने वहाँ पे जाके एक सेगमेंट किया था, उन्होंने यहाँ तक बोला कि ये हम क्या करते हैं, हम बच्चों से फूल बिकवाते हैं, गाड़ी के शीशे साफ करवाते हैं, और वहीं पे वो भीख भी मांग रहे होते हैं, हमारा इस तरह से गुजारा चलता है। अब आप तरीका देखें ना बच्चों से काम लेने का, जी फूल पकड़ा देते हैं हाथ में, नहीं कोई खरीद रहा, बच्चे चम्मी हो जाएंगे, नहीं नहीं फूल फूल पे रोना जाहिर है, बंदा पैसे देगा फूल नहीं लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी ऐसी बातें बच्चों को सिखाई होती हैं, अल्लाह तुम्हें बेटा दे, अल्लाह तुम्हें बेटी दे, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, बहन भाई बैठे हो, बहन भाई कितनी बार मेरे बेटी भाई बैठा होता था, वहीं जोड़ी बना दी जाती थी, अरे बाप बेटी बैठे हो और फूल ले लो बाजी के लिए, तो ये तो देखे ना बच्चों की ज़हनियत आप क्या कर रहे हैं। और फिर एक पहलू आ जाता है घर में बच्चे जो काम, घर में जो बच्चे काम करते हैं, देखो वो भी बहुत बहुत शदीद खतरात का शिकार है, ठीक है। इस वजह से कि आप एक घर के अंदर आप अपनी माँ बाप, हम थोड़ा सा आज जो टॉपिक लेके चलते हैं ना हम, ना हमारे पास टाइम भी कम है, हम थोड़ा सा वो जिसके अंदर माँ बाप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो घरों के अंदर से शुरू हुई है बात, हम वहाँ से लेके चलेंगे। और इस टॉपिक को लेके हम फैक्ट्रीज में काम करने वाले बच्चे हो गए या दूसरे बच्चे हो गए जो कि 14-15 साल के बच्चे हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स पे काम कर रहे हैं, और जगहों पर जो काम कर रहे हैं, उन बच्चों को हम फोकस करेंगे, लेकिन आज हम घर वाले बच्चों को देख लेते हैं। अब जो हमारे घर के अंदर हम माँ बाप बच्चे छोड़ देते हैं, अब ये देखते हैं 12 साल 14 साल की लड़की जो कि उसमें अपने उसमें जा रही होती है, बलोगत में जा रही होती है, जो कि एक अडल्ट होने वाली होती है, उसको आप उन लोगों के घरों में छोड़ देते हैं जहाँ पे तीन तीन चार चार लड़के होते हैं, जवान लड़के होते हैं, उन घरों के अंदर वो बच्चियाँ काम कर रही होती हैं। एक छोटी बच्ची जिसे कोई सेंस नहीं है 12-14 साल का भी ले ले, लड़का भी ले ले, या आप लड़का ले ले, इसलिए आजकल तो लड़के भी महफूज नहीं, महफूज नहीं, हम उसी देखें आप उस दिन जो पिक्चर्स लाएंगे जी, लड़के लड़कियाँ देखे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी शुमैला कि चाइल्ड लेबर उस लिहाज से, क्योंकि देखिए मेरे घर में भी काम करने वाले हैं, आपके घर में भी, जितने हमें टीवी पे देख रहे हैं सबके घर में लड़कियां काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो रही है। ये बहुत ही ढोंग वाली बात होगी, जो लोग बड़ी बातें करते हैं, वो औरतें देखी जो चाइल्ड लेबर के लिए लड़ी होती है, घर में क्या सलूक कर रही होती है, क्या सलूक कर रही होती है, बिल्कुल सही बात ये कि एक तरह से मुझे एक दफा खुशबक आप आई थी मेरे शो पे, उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा था किसी ने कॉल करके कहा, वो समझी जो कॉलर थी कि वो शायद मैं गलत कह रही हूँ, खुशबक आपा इस बात को मेरी नहीं डिफेंड करेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि चाइल्ड लेबर तब कराई जाती है कि उन लोगों का भी भला हो रहा होता है कि उनके बच्चे किसी जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं सकते अपने बच्चों को, एक अच्छे घर में आपने लगवा दिया, जिम्मेदारी उन घर वालों की भी है शुमैला कि वो उस बच्चे को या उस बच्ची को कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं, बिल्कुल सही। और पता है क्या होता है, जब अगर बच्चों देखो केसेस रिपोर्ट नहीं होते आमना, ये केसेस छुपे रह जाते हैं, जिन घरों के अंदर आप अपने बच्चों को काम के लिए छोड़ते हैं, अगर वो केसेस कुछ केसेस मीडिया ने अगर पिक कर लिया और वो पहुंच गया मीडिया और उसने उसको कवरेज भी कर लिया और माँ बाप को भी कहा कि हाँ इस पर लीगल एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पर आपस में उनको प्रेशराइज करके दबाव डाल के वो केस बंद भी करवा दिया जाता है, बिल्कुल। और वो केस आप देखें मेजोरिटी केसेस सामने नहीं आते। देखिए अगर मेरे घर बच्ची काम करी, आपके घर काम करी, हमें पता है कि हमें उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, बिल्कुल। मैं उसको ड्राइवर से भी प्रोटेक्ट करूंगी, मैं उसको अपने घर के बंदे से भी प्रोटेक्ट करूंगी, मैं अपने आने जाने वाले से प्रोटेक्ट करूंगी, बिल्कुल सही। तो ऐसे बच्चों की चाइल्ड लेबर मैं नहीं समझती गलत है, उसको कुरान शरीफ भी पढ़वाया, उसको पढ़ा भी रहे, वो एक फैमिली मेंबर की तरह आ गया ना, खाना पीना उसका जहेज। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिली देखी जो बच्चों की शादियां करवाते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो चाइल्ड लेबर जिसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है बहुत बुरी तरीके से, मतलब एक तो होता ना चले अपने बच्चा समझ के, आपने कभी, मैं भी कभी गुस्से में आई तो मैंने लगा देती हूँ कि तुमने ये हरकत क्यों की या तुमने चीज क्यों उठाई, कर लेते
जो एक दूसरी टाइप का तशद्दुद होता है, आपके पास केसेस किस किस्म के? जैसे मेरे पास केसेस बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट होते थे कि अगर आपने बच्चियों को आपने अपने भेज दिया काम करवाने के लिए, एक केस रिपोर्ट हुआ है, वो अभी चल भी रहा है, मिसिंग। और वो मिसिंग का केस चल रहा है, वो लड़की 16 साल की, और वो लड़की जिनके घर काम करने के लिए गई थी उनके घर से ही वो, उन्होंने कहा वो रक्षे में गई है, आप वापस आपके घर आ रही थी, उनके अम्मा बाबा को बोला कि आप वापस अपने घर के लिए निकली थी, और उसके बाद उस लड़की का नहीं पता चल सका, वो अभी तक मिसिंग है वो बच्ची। अब आप मुझे बताएं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने 16 साल की बच्ची को इस तरह से, आप खुद छोड़े, आप खुद वापस ले, अगर आप अगर रात को रुकने के लिए भेज भी रहे हैं, कोई ऐसी बच्चियां भी हैं जो कोई और काम नहीं करती, सिर्फ बेबी सिटिंग करके सुबह से शाम तक चली जाती है, 3 महीने से वो लड़की गायब है। मैं आपको एक केस बताऊं, मेरी बिल्कुल सामने नेबर थी, और मैं उन दिनों बच्ची लड़की ढूंढ रही थी, मुझे मेड चाहिए थी, ज़ाहिर एक्सपीरियंसेस बताएंगे तो लोगों को अक्ल आएगी, बिल्कुल सही। तो मेड मैं ढूंढ रही थी, तो वो एक मेड आ गई और किसी ने कहा ये मेड आ रही है, आपको आप इससे पूछ लें, ये आपको मेड ला देगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बड़ी क्यूट सी बच्ची उसके साथ मेरे घर आई, मैंने कहा इसकी माँ कहें, वो तो स्कूल जॉब करती है, तो मैं इसे अपने साथ लेके निकल जाती हूँ, मतलब इसे बताने का ही मकसद है कि पीछे पता नहीं होता आपकी बच्ची कहाँ जा रही, तो थोड़ा चेक एंड बैलेंस हो। टाइम कम है, हमारा शो खत्म हो रहा है, मेरा और शुमाइला का सेगमेंट होता है, इंशाल्लाह शुमाइला चिल्ड्रंस डे भी आने वाला है, और भी बहुत काफी दिन हम आपके साथ गुजारेंगे, आप तो आने वाली हैं, इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग शुमाइला, इंशाल्लाह इसी वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह आपसे। तो बहुत ख्याल रखें, आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पर, और मैसेज अस ऑन www.facebook.com/chuloasman, इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा से दिन गुजारें, कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ मैं आऊँगी, खुदा हाफिज़।